आज हम बना रहे हैं बेसिकली नूडल्स बना रहे हैं पास्ता, और ये पास्ता टाइप्स में आता है बट एशिया रीजन के अंदर ये बना था, और इवन के हमारे पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और टाइम से बनाया जाता है। ये नहीं कि आज हम अगर बात करें कि चाइनीज़ रेसिपी, ये हमारी अपनी ट्रेडिशनल पाकिस्तानी रेसिपीज़ में भी आता है, ठीक है, क्योंकि हम इसको भले के नाम से नॉर्थ के अंदर पुकारते हैं, बले के नाम से, बले के नाम से, बल्तिस्तान और गिलगित में इसको बले कहा जाता है। अच्छा ठीक है, तो जी बिस्मिल्लाह स्टार्ट करें। तो आज नूडल्स को, अच्छा नूडल्स में और पास्ता में डिफरेंस ये है कि पास्ता, काफी सारे लोग नूडल्स को पास्ता में काउंट करते हैं, ठीक है। नूडल्स जो है बेस करता है डो सिर्फ फ्लावर, सेमोलिना और पानी के साथ, ठीक है। कुछ लोग एग भी यूज करते हैं। अच्छा, बट ये सेमोलिना क्या है? सेमोलिना इज सूजी। अच्छा, सूजी की क्वांटिटी बहुत मिनिमाइज होती है, इसमें फ्लावर ज्यादा होता है और पानी यूज होता है। अच्छा, और जो पास्ता होता है उसके अंदर आपका सिर्फ एग योक और फ्लावर होता है, दैट्स इट। उसको गूंदा ही पूरा एग योक से जाता है। तो यहाँ पर हम, यहाँ सबसे पहले पानी, बिल्कुल आप ये काम जारी रखिए जी। मैं भी साथ साथ जो है ना हसन भाई की आवाज सुनकर, हसन भाई मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे, हमारे पास बरान रहमत में, यकीन कीजिए कि इनकी आवाज से तो एक अजीब सा समा बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, बहुत खूबसूरत आवाज, और आपके खाने के जायकों से एक और समा बन जाता है। और फिर हम मेरे पैनल की अच्छी गुफ्तगू से तो मैं कहती हूँ क्या ही कहें, क्या ही कहें, क्या तो जी, अब बताइए कहाँ तक पहुँचे। 80 सालों से माओ का भरोसा जो जीता है डालडा, यहाँ पर हम ऑयल ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी में, ताकि पास्ता आपस में चिपके ना, और सॉल्ट मैंने ब्रेक में ऐड कर दिया था, और यहाँ पर अब हम नूडल्स जो हैं इस तरह से हम लेते हैं इसको, और ये भी देखें क्या कानून कुदरत है, कितना खूबसूरत लग रहा है, आपने कितने अच्छे तरीके से इसको, ये इसको आप आपने ऐसे कि कुछ चीज़ों को आपस में चिपकना नहीं चाहिए, और जहाँ पर आपस में इकट्ठे रहना चाहिए वहाँ हम इकट्ठे रहते हैं। ये यहाँ पर हमने पास्ता इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है, नूडल्स, और इसको अब हम, अच्छा अगर आपको नूडल्स ना मिले तो आप इसमें स्पेगेटी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेगेटी और नूडल्स और दोनों में, स्पेगेटी की भी वही रेसिपी है जो इसकी है, जो अभी हम जो इसकी जो करी जो सॉस हम बना रहे हैं, जो वेजिटेबल और चिकन का हम विद स्पाइसेस एंड सॉसेस जो यूज करेंगे, वो आप चाहे स्पेगेटी में बना लें चाहे नूडल्स में बना लें, है रेसिपी ये नूडल्स की बेसिकली, बट दोनों में डिफरेंस जो है इसके डो का है। स्पेगेटी जो डो, स्पेगेटी का जो डो है वो एग योक, अंडे की जर्दी और फ्लावर बेस्ड है मैदे के साथ, और नूडल्स की जो है उसमें मैदा, सेमोलिना और पानी और सॉल्ट, नमक। तो यहाँ पर हमने इस तरह से नूडल्स को गर्म पानी में, अच्छा यूजली नूडल्स पास्ता जो होते हैं वो अलदांते कुक्ड होता है। अलदांते इज 75-85% कुक और 25-15% रो, ठीक है, लाइक बाल बराबर कच्चा पास्ता जो है वो अलदांते कहलाता है। बट हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वो फुल डन खाने वाली है, तो इसमें बट नूडल्स में खाने के शौकीन है, और हाँ बिल्कुल, तो लाहौरी हों और फिर कराची के हों और फिर चाहे बलोचिस्तान से हो या सरहद से हो, कहीं से भी हो, हम सब लोग खाने के शौकीन हैं। बिल्कुल, हम अल्लाह की नेमतों के साथ जस्टिस करने की कोशिश करते हैं। क्या बात है, तो यहाँ पर हमने पास्ता को जो नूडल्स हम ले रहे हैं इसमें वो हमने फुल डन करना है, हाफ डन नहीं करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चिकन जो है काट ली थी ब्रेक में, बर्नर ऑन करते हैं, और इसके बाद अगेन जहाँ ममता वहाँ डालडा, ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें डाल। अच्छा, ये क्वांटिटी का आपको खुद ही अंदाजा होता है, या जैसे मैंने पहले भी पूछा था कि आप, अब तो एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो गया जी, बिल्कुल, मगर तो जिन लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्या वो किताब के जरिए सोचें कि कितना पानी डालना है, कितने कप पानी? नहीं, इसमें होता ये है कि आपकी क्वांटिटी जो टोटल करी की होती है या कितने लोग हैं उनके लिए आप बना रहे हैं, तो मीट मैटर करता है कि मीट आप कितना ले रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने ऑयल एंड स्पाइस और वेजिटेबल की क्वांटिटी आपने। अच्छा, ये मेरे साथ मेरे ख्याल बहुत सारी हमारी खवातीन का एक मसला भी होगा कि जब हम सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के लिए कोई चीज़ बनाते हैं कम मकदार में तो वो बहुत जायकेदार होती है, उसी चीज़ को जब हम ज़्यादा मकदार में बनाते हैं
तो उसका जायका तब्दील हो जाता है, जबकि रेसिपी वही होती है। रेसिपी वही होती है। इसमें आपको हमेशा सॉल्ट और पेपर, जब हम जितनी भी मल्टीनेशनल चेन्स हैं जो बल्क में काम करती हैं, तो उनका बेस यही होता है कि 100 से लेके 1000 तक का जो आपके ग्रामेज होती है वो चेंज होती है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें पानी का वो, हाँ इसमें पानी का थोड़ा सा आगे ऐड ऑन। हाँ देखिए ना, खाने को भी मिलावट पसंद नहीं है। अदरक और लहसुन इसमें शामिल करके, गार्लिक खाली चॉप भी ऐड कर सकते हैं, पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, और इसके बाद इसके अंदर हम, ये आपने क्या डाला इसके अंदर? चिकन ऐड कर दिया हमने। अच्छा, चिकन को डाल दिया आपने। चिकन आपने मैरिनेट किया था? सॉरी, चिकन आपने मैरिनेट किया था? चिकन इसमें मैरिनेट नहीं किया हमने, जस्ट इसको डायरेक्ट जूलियन काट के अब हम इसको पैन फ्राइड कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पैन फ्राइड करने के बाद इसके अंदर तमाम सॉसेज डल जाएंगी, और वेजिटेबल के अंदर जो मैं यूज कर रहा हूँ उसमें हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में है अनियन है, जिंजर, गार्लिक और कैरेट और बेल पेपर, शिमला मिर्च। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कैबेज यूज कर सकते हैं, ग्रीन अनियन यूज कर सकते हैं, बेल पेपर के अंदर जो हमारे पास शिमला मिर्च होती है। ठीक है जरा सा, बस अब ये बिस्मिल्लाह करते रहें और मैं जाकर अपने पैनलिस्ट जो हैं उनके पास जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास सवाल बहुत होते हैं और फिर वक्त की कमी के बायस जब वो जवाब पूरा ना दे पाए तो फिर मुझे भी बहुत अफसोस और दुख होता है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ जी अपने बहुत ही टैलेंटेड शेफ जलाल साहब के साथ, और मैं पूछती हूँ कि जी जो तैयार कर रहे थे वो किस मंजिल तक पहुँचा? जब आप क्वेश्चन आंसर कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे तमाम सॉसेज जो इसमें ऐड कर दिए, जिसमें हमने सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, चिली सॉस और सॉल्ट पेपर, क्रश चिली इसके अंदर ऐड किया, और हल्का सा आप इसमें ब्रॉथ ऐड कर लें, फिर बाकी नूडल्स जो मैंने बॉईल किए थे। अच्छा, नूडल्स को भी आपने पास्ता की तरह ही ट्रीट करना होता है। वंस आप जब इसको बॉईल कर लेते हैं तो बॉईल करने के बाद आपने इसमें हल्का सा ऑयल लगाकर इसको रेस्ट देना होता है, ताकि जिसको वो हमारी देसी जबान में कहते हैं कि दम देना टाइप होता है, बट इसमें आपको इसको ठंडा करना पड़ता है फर्स्ट, फिर उसके बाद आप इसको ऑयल लगा के रेस्ट दे देते हैं ताकि पास्ता अपनी जगह ले ले। फिर उसके बाद जब आपने कुकिंग करनी है, और उसके बाद आप एक्चुअली आप पास्ता को स्टोर कर सकते हैं बॉयल करके फ्रिज के अंदर, और जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उतनी क्वांटिटी आप निकालें, सॉस बनाएं, घर में सर्व करें और फिर बाकी स्टोर कर दें, फिर जब चाहिए तो दोबारा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से तमाम वेजिटेबल्स, अब इसमें हमने जो वेजिटेबल यूज़ किए उसमें बेल पेपर है, शिमला मिर्च, गाजर, हरी मिर्चें जो जर्मन चिली बड़ी मिर्चें होती हैं वो, और प्याज का हमने इस्तेमाल किया। आप चाहें तो इसमें जो भी वेजिटेबल्स आपको मिलती है लाइक ग्रीन अनियन और कैबेज और ये सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद कितनी खूबसूरत लग रही है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से इसको नूडल्स को आपने सर्व करना है, और क्योंकि डालडा जब सेहत में और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा तो हम कैसे कर सकते हैं, बेफिक्र हम खाने में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑन टॉप अब लास्ट में हम ये तमाम वेजिटेबल्स, आप चाहें तो इसमें जो भी वेजिटेबल्स हैं जैसे मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जिनको काफ़ी पसंद है मशरूम्स वगैरह, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको फाइनलाइज किया, और इसके बाद लास्ट में ऑन टॉप आप ग्रीन्स का यूज़ करते हुए इसको गार्निश कर दें, और एजिस जो हैं इसके हम साफ कर देते हैं। सफाई और नफासत के साथ आपने बिल्कुल इसको बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना जबरदस्त प्रेजेंटेशन वो आपने कर, ये देखें आप, ये नूडल्स जो हैं हमारे रेडी हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम आते हैं तो करशी जामिश्री जो जिसको हम नंबर वन ब्रांड आवाम ने और हमने मिलके बनाया, ठीक है 100% अर्क से और संदल से, तो यहाँ पर हमने बनाया ये मिल्क ऐड किया, इसमें मैंने आइस एक्स्ट्रा क्वांटिटी आइस की यूज़ की है, लेमन और मिंट, दूध में लेमन और मिंट। इसके बाद अब हम इसमें अच्छा ये मैंने पहली बार वैसे देखा है बिल्कुल, तो ये हमने इसमें कशी जाम, ये मतलब ये आप इससे पहले भी ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन कर चुके हैं? बिल्कुल, ये आपका मोहितोस में आता है और आपके डिफरेंट जो कहेंगे स्लशेस के अंदर आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, फिर लास्ट में आपने इसमें पानी ऐड किया, और इसके बाद आप इसमें
एंड में सोडा ऐड करेंगे, कोई भी सोडा वाटर आप इसमें ऐड कर दें। बिल्कुल ठीक। तो ये परफेक्ट जबरदस्त। आप इसको मिक्स भी करेंगे या? जी बिल्कुल। अब आप इसको चाहें तो आप इसको मिक्स करें, और अदरवाइज आप इसको एज इट इज सर्व करें, फिर बाद में जब आप पोर कर रहे हैं तो उस वक्त आप मिक्स कर लें। अगर अभी इस वक्त इसकी खूबसूरती है, ठीक है, बाद में जब हम इसको शेक करेंगे तो इसका कलर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिल्कुल वो दूध रोज वाला कलर हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारी ये दोनों चीज़ें ज़बरदस्त तैयार हो गई, और इंशाल्लाह बेफिक्र हैं, जितनी मेहनत से आपने बनाया उससे ज़्यादा मेहनत से हम इसको ट्राई करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।